असल को स्टूडेंट्स, तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आप खुद हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जब हम अपना फॉर्म बना रहे थे उसमें प्लेस होल्डर डालने हैं, ठीक है। जैसे हम फेसबुक पर जाते हैं लॉगिन के लिए तो हमें पहले प्लेस होल्डर देता है, अगर ईमेल है तो ईमेल का प्लेस होल्डर देगा। तो करने से हमें पिछला लेक्चर नहीं देखा, वो ऊपर वाले बटन पर क्लिक करके मेरा पिछला लेक्चर चेक कर ले और अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैम्प खोल लिया, मैं अपाची शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ जाते हैं लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट पे जाएंगे, दस ऊपर अपना जैम हटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं www.future। तो ये मेरे पास जो मैंने पिछली दफ़ा फॉर्म बनाया था इसमें मैं देखा था कि ये हमें कहेगा कि आपने अपनी चीज़ें लिखनी हैं। तो जब हम चीज़ें नहीं लिखेंगे तो ये हमें बार बार कहेगा कि हमने चीज़ें लिखनी है। जैसे हम पासवर्ड लिख लिखेंगे तो ये कहेगा ईमेल लिखें, अगर हम ईमेल लिखेंगे और पासवर्ड नहीं लिखेंगे तो ये कहेगा पासवर्ड लिखें, ठीक है। हमने वो काम सीखा था, तो आज हम लोग और भी अभी काम इस पर करने लगे हैं। आप आ जाए बेसी डॉक्स, अपना जो फोल्डर है उसको खोल लेते हैं हम सबलाइम टेक्स्ट पे। तो ये मेरे पास काम है जो मैंने पिछली दफ़ा किया था। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, सबसे पहले तो मैं ईमेल से पहले नेम और लास्ट नेम लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर इंटर कर दिया मैंने और एक इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम आ गया। अब इसी को कॉपी करना है और फिर नीचे अब लिख देते हैं लास्ट नेम, लास्ट नेम। अब हमने प्लेस होल्डर डालना है, इधर हम सीधा लिख देंगे प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम का होगा फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको रीलोड मैंने किया, अब मुझे प्लेस होल्डर दे रहा है कि अपना फर्स्ट नेम लिखें। मैं इधर लिख देता हूँ जैन, मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया तो अब इसने क्या किया कि वो प्लेस होल्डर हटा दिया है। अब मैंने यही काम सारों में करना है, क्योंकि प्लेस होल्डर तो हर किसी में आ सकता है और यहाँ पर तो सारी बातें नहीं डालना। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट नेम आ गया और अब यहाँ पर लास्ट नेम लिखेंगे हम, लास्ट नेम। ये पर यहाँ पर ईमेल है, ईमेल में हम एक और चीज़ भी लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल या ईजी लिख देता हूँ, easy@gmail.com। या आप एग्जाम्पल लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, gmail.com, ठीक है। और अभी है पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब हमने बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से जैसे हमें काम करते हैं जैसे फेसबुक पे होता है वैसे मैंने काम कर दिया। मैं देखता हूँ जैन, लास्ट नेम अली। अब देखिए मैं कह रहा कि ईमेल लिखे, जैसे अब ईमेल ऐसे होती है तो ईमेल ज़्यादातर कुछ लोग अपने नंबर भी डालते हैं, तो मैं इधर कुछ नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं दोबारा लिखता हूँ जैन अली और एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ web45@gmail.com, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरी जो जीमेल आईडी है वो है weblecture800@gmail.com। अगर आपने मुझसे कोई भी सवाल पूछ लिया तो मुझसे इस जीमेल पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया पासवर्ड, आप कुछ भी लिख दें। अब देखिए क्योंकि मैंने पासवर्ड इनपुट टाइप बॉक्स बनाया है तो वो मुझे एंटीवायरस मेरे प्रोग्राम कह रहा है कि आप ये वाला पासवर्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना पासवर्ड अपने आप से रख दिया मैंने, तो अगर मैं सबमिट करूँ तो ये देखिए क्या कह रहा है, इंटर योर ईमेल। हालांकि मैंने ईमेल तो लिखी हुई है,
वो क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने इन दोनों के बारे में तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो मैं इन दोनों के बारे में भी लिख देता हूँ। एक मिनट, ये हमारे पासवर्ड वाला है, पहले का बना हुआ है। ठीक है, इसका भी हम नेम लिख देते हैं इधर। इन सब का नेम लिखा हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ नेम, योर नेम, सॉरी योर फर्स्ट नेम, उसके लिए मैं लिखता हूँ योर एफ नेम, नीचे लिख देता हूँ योर एल नेम, योर एल नेम। अगर किसी को नहीं पता मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा पिछला लेक्चर पहले चेक करके आए। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पर और फंक्शन बना देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके ऊपर बनाऊँ, लेकिन मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि मैं इसके ऊपर बनाऊँ, क्योंकि ये हमारे पास जो पहली चीज़ आई भी है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एफ नेम। ठीक है, तो मैं इधर इसका नाम लिखूँगा एफ नेम डॉट वैल्यू एफ नेम अलर्ट प्लीज इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, अब यही काम हमने नीचे करना है, लास्ट नेम ये आ गया, एल नेम इधर, फिर से एल नेम। आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि क्या आपने नीचे यही नाम लिखा है, क्योंकि मैं भी चेक करूँगा कि क्या मैंने नीचे यही नाम लिखा है कि नहीं। ये मैंने अभी सेव किया, ठीक है, यहाँ पर भी एल नेम लिख के सेव कर दिया। अब मैं जब दोबारा चेक करूँ, देखें एक चीज़ की मैंने गलती कर दी है, यू नहीं लिखा, तो अब हर जगह मुझे यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है इसको दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, ये यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर आ गया। तो मैं तो हर जगह यही नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की मर्जी, अगर अपने यहाँ पर कोई और नाम लिखना है तो मर्जी। और सिंपल मैं एक और भी काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर सिर्फ यू लिख दूँ, क्योंकि सारों के पहले मैंने बस यू नहीं लिखा। यू एल नेम, तो मैं फिर चेक कर लेता हूँ, यू एल नेम लिखा हर जगह, सेव किया। तो अगर अब मैं इधर नाम नहीं लिखता, फर्स्ट नेम ये लिख दिया मैंने, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, ठीक है, इंटीरियर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम भी लिख दिया, सबमिट कर जाएगा। अब मैंने, क्योंकि हर चीज़ पे चेक करना है, मैं उसको हर चीज़ पे चेक करता हूँ। लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम भी काम कर रहा है, ईमेल काम कर रहा है, ईमेल भी काम कर रहा है, पासवर्ड क्या काम कर रहा है, पासवर्ड भी काम कर रहा है। अगर मैं दो चीज़ें नहीं लिखता तो ये क्या करेगा कि मुझे कहेगा कि जो चीज़ मैंने पहले नहीं लिखी होगी ना, ये मुझे उसका कहेगा कि वो आप लिखें। एक मैं इसको लेना, जो चीज़ मैंने पहले नहीं लिखी वो उसका कहेगा कि आप लिखें। ठीक है, इसलिए जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद ये अगली चीज़ का बताएगा कि आपने अगली चीज़ भी लिखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का मेरा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्लेस होल्डर के बारे में बता दिया है कि प्लेस होल्डर कैसे डालने हैं और वो क्या चीज़ होती है। तो कल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन पर दबाना मत भूलें, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि जिसने भी डिज़ाइनिंग सीखनी है वो सीख सके। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।